उत्तराखंड के हल्द्वानी में डीआईजी हर शनिवार को जनता दरबार का आयोजन करते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी विभिन्न शिकायतों को लेकर पहुंचते हैं। वहीं दरबार में फरियादियों की संख्या बढ़ने से डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने इस फैसले को महत्वपूर्ण बताया है। आपको बता दें, जनता दरबार में जमीन कब्जा ने और नौकरी का झांसा देने जैसी तमाम शिकायतें लेकर लोग पहुँचते हैं, जिनका उचित समाधान कर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। शनिवार को जो है मेरे द्वारा जो है यहाँ हल्द्वानी कैंप कार्यालय में जो है कुमाऊँ रेंज स्तरीय जो है यहाँ जनता दरबार लगाया जाता है। तो मेरे पास लगभग सभी जिलों से जो है आज पिथौरागढ़ के दो ग्रुप आए थे फिरियादी, जो वहाँ कुछ नौकरी का झांसा और जो बड़े लेवल पे जो फ्रॉड हो रहा उसकी शिकायत लेकर आए थे, और भी जमीन के कुछ मामले थे। डमुआ डोंगा से कुछ लोग आए थे एससी कैटेगरी के।